नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निशान शर्मा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं भारत से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिसका जवाब हर एक भारतवासी को पता होना चाहिए। बहुत से लोगों के लिए ये सभी सवाल सरल होंगे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, भारत में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन सवालों का जवाब नहीं पता होगा। खैर, अगर आपको इन सवालों में से 5 का भी आंसर पता हो तो अपना नाम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किस साल जनगण मन को नेशनल एंथम घोषित करा था? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं। इस सवाल का आंसर है 24 जनवरी 1950। भारतीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी लाइंस होती हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं। इस सवाल का जवाब है 24, यानी कि 24। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? इस सवाल का जवाब है हॉकी। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट हॉकी है। चौथा सवाल, पहला भारत रत्न अवार्ड विनर कौन था? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं। इस सवाल का आंसर है सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। पांचवा सवाल, जनगण मन राष्ट्रगान किसने लिखा था? इस सवाल का सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था। छठा सवाल, भारत देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सातवां आंसर, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं। सुमित्रा महाजन इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। आठवां सवाल, भारत देश में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? इस सवाल का सही आंसर है 7 यूनियन टेरिटरीज। नाइन्थ क्वेश्चन, उस लेक का नाम बताओ जो भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं। इस सवाल का सही आंसर है वूलर लेक। वूलर लेक भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। दसवां सवाल, इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग को किसने डिजाइन करा था? दसवें सवाल का सही आंसर है सर एडविन लुटेंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। इन दोनों ने इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिजाइन करा था। तो दोस्तों ये थे भारत से रिलेटेड 10 जरूरी सवाल जो ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अब आप पूरी ईमानदारी से मुझे बताएं कि आपने इन 10 सवालों में से कितने सवालों का जवाब सही सही दिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।